रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरशद इकबाल, आई एम योर साइंस टीचर। अजीज तलबा, आपको जैसे कि मालूम है, हम अपने कई प्रीवियस लेक्चर से हम अपना चैप्टर नंबर 9 बड़ी डिटेल के साथ स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारा फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर, जिसमें हम लाइट की बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उनके मुख्तलिफ फिनोमिनाज और उनके यूजेज जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है कलर ऑफ लाइट्स, मुख्तलिफ कलर ऑफ लाइट। बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। आर्किटेक्ट लोग, ख़ास तौर पर पेंटर्स, और जैसे कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ रंगसाज लोग जो हैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उनको मालूम होता है कि किन कलर्स को मिक्स करके कौन सा कलर जो है वो ऑप्टेन किया जाता है, बनाया जाता है। आज ये कुछ चीज़ें मैं भी आपको डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। हम कलर्स को दो ग्रुप्स में, यानी टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप को जो कलर्स हैं उनको हम प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। प्राइमरी कलर द कलर दैट कैन बी यूज्ड टू मेक एनी अदर कलर्स, यानी दूसरे कुछ कलर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कॉल्ड प्राइमरी कलर्स। इनको हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर आपका पैराग्राफ नंबर 1, उसकी लाइन नंबर 3, द कलर दैट कैन बी यूज, को हाईलाइट भी करेंगे आप, द कलर्स दैट कैन बी यूज टू मेक एनी अदर कलर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स। ये प्राइमरी कलर्स जो होते हैं ये आमतौर पर 3 कलर्स हैं मेन। ये मैंने उनको कलर स्कीम के अंदर मेंशन भी किया, रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। ये तीनों कलर जो हैं इनको हम प्राइमरी कलर कहते हैं। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ जाता है लास्ट में, ये ऑप्शन ए में रेड, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ग्रीन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हम ऑल ऑफ दीज के अंदर जो है इसको हम ले सकते हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन। और ये रेड ब्लू और ग्रीन कलर जो हैं ये इन तीनों कलरों को अगर हम मिक्स करें तो हमारे पास जो मेन कलर है यानी वाइट कलर जो है वो हमें अपीयर नज़र आता है। ये जो है हमारे पास प्राइमरी कलर्स होते हैं। अब हम आते हैं उसकी सेकंड टाइप्स कलर की, जिसको हम सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। व्हेन जब ये टू प्राइमरी कलर्स, यानी व्हेन टू प्राइमरी कलर्स मिक्स दे प्रोड्यूस अ सेकेंडरी कलर्स, जब दो प्राइमरी कलर्स को हम मिक्स करते हैं डिफरेंट रेशियोज के साथ तो वो हमें जो है सेकेंडरी कलर्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है ये पैराग्राफ नंबर 2, इसको मेरे साथ हाईलाइट करें। व्हेन टू प्राइमरी कलर मिक्स दे प्रोड्यूस अ सेकेंडरी कलर्स, ये सेकेंडरी कलर्स हैं साइकॉन। यानी अब मैं आपको कलर्स बनाऊंगे, आप देखें रेड और ग्रीन, जब रेड और ग्रीन कलर को मिक्स किया जाएगा तो येलो कलर बनेगा, येलो कलर। इसके अलावा रेड और ब्लू सियान, थर्ड जब हम ब्लू और ग्रीन कलर को हम मिक्स करेंगे मैजेंटा, अब इससे साबित हुआ कि ये जो कलर्स हैं ये सेकेंडरी कलर्स हैं और हमारे जो प्राइमरी कलर्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे प्राइमरी कलर रेड ब्लू और ग्रीन जो हैं ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं और ये जो कलर्स हैं ये हमारे सेकेंडरी कलर्स हैं। और इसको हम मुख्तलिफ डिफरेंट रेशो से अगर जब इन कलर को हम आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट जो कलर जो हैं वो अपीयर होते हैं। ख़ासतौर पर आप देखा होगा टेलीविजन्स के अंदर, टेलीविजन्स के अंदर एक कलर स्कीम्स बनाई जाती है और कलर गन्स मौजूद होती हैं। ये कलर गन्स जो हैं एक उस कलर्स को मिक्स करके जो इमेज व्यूज़ करते हैं, जैसे कलर टेलीविजन जो हैं, कलर LCDs जो हैं, उस मिक्सिंग के साथ एक ख़ास रेशो के साथ जब वो, और एक इमेज फॉर्मेशन जो है वो कलर की होती है। इसी तरह आपने देखा होगा आप जब अपने जहाँ पर दुपट्टे या घर की फीमेल्स वगैरह जाती हैं कपड़े रंगने के लिए, तो वहाँ का वो जो कपड़े रंगने वाला पर्सन होता है वो बड़ा इस चीज़ में माहिर होता है और अक्सर हमने देखा है कि वो डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट रेशोज़ के साथ
मिलाकर जो कलर स्कीम उसने ऑप्टेन करनी होती है उस कलर स्कीम को जो है वो उसके ज़रिए वो हासिल करता है और उस कलर को वो बना देता है और उस कलर के साथ जो वो उसको कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारी डेली यूज़ के अंदर ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है मुख्तलिफ कपड़े की इंडस्ट्री यानी हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज़ और जहाँ पर वहाँ पर भी मुख्तलिफ डिज़ाइन और कलर स्कीम्स बनाई जाती हैं तो इन्हीं कलर स्कीम के ज़रिए इन कलर्स को डिफरेंट रेशोज़ के ज़रिए हम मिक्सअप करके हम डिफरेंट कलर जो हैं वो हमारे पास जो है वो अपीयर्स होते हैं। तो इसी तरह आपने देखा होगा कि जो हमारी सूरज की रोशनी है जैसे कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट के थ्रू आपने देखा कि जो सनलाइट है वो हमें अपीयर लुक लाइक अ वाइट लाइट, वो हमें वाइट लाइट नज़र आ रही होती है, जबकि जो सूरज की रोशनी है वाइट लाइट है इज़ अ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कलर, उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, एक स्पेक्ट्रम होता है, कलर स्पेक्ट्रम जो है वो अपीयर होता है जिसको हम हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया जिसमें रेड से लेकर वायलेट तक मुख्तलिफ सेवन कलर जो हैं वो अपीयर्स होते हैं, उस वाइट लाइट को जब डिस्पर्स किया जाता है। इसी तरह अगर आप एक ऑयल फिल्म ले लें, ऑयल ड्रॉप्स लेकर उसको पानी में डालें और उसको रोशनी में देखें तो जब सनलाइट उस पर पड़ेगी तो उसमें भी एक कलर स्कीम जो है वो हमें नज़र आएगी। इन कलर स्कीम को समझना कलर फॉर्मेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको फिर मैं दोहराता जाऊँ कि हमारे पास जो प्राइमरी कलर्स हैं वो 3 प्राइमरी कलर्स हैं जिसमें रेड कलर्स है, ब्लू कलर्स है और ग्रीन। इन 3 प्राइमरी कलर के मिक्सिंग से जो कलर बन रहा है उसको हम वाइट कलर कहते हैं और इसके अलावा जो सेकेंडरी कलर्स हैं बाकी इन प्राइमरी कलर्स की मिक्सिंग के साथ यानी 2 कलर्स को अगर हम डिफरेंट रेशो के ज़रिए मिक्स करें तो हमारे पास ये कलर्स बन सकते हैं। छोटी सी जो एक्टिविटीज़ है आपके पेज नंबर बुक के 102 के अंदर आप इसमें मुख्तलिफ 3 टॉर्च ले लें और उन 3 टॉर्च के ऊपर आप एक कलर्ड रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के पेपर्स इन टॉर्च की लाइट के ऊपर आप लगा दें और इन 3 टॉर्च को आप जब ऑन करेंगे या इजीली अवेलेबल होती है घर के अंदर तो आप जब हम 3 कलर लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करेंगे तो जब आप एक पॉइंट पर फोकस करेंगे तो जहां पर ये लाइट फोकस हो रही होगी वहां पर तीनों लाइट वहां पर कलर वाइट स्पॉट जो है वो अपीयर होगा और उसके साथ आपको जहां पर 2 कलर्स आपस में मिक्स होंगे जैसे कि मैंने अपना इसमें बताया जब ये 2 कलर्स आपस में मिक्सिंग होंगे तो ये डिफरेंट कलर जो हैं उसके साथ आपको अपीयर नज़र आएंगे। आपकी पेज नंबर 102 के अंदर एक टेबल है जिसके अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट कलर की स्कीम है। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इसके अंदर जो डिफरेंट कलर ऑप्टेन हो रहे होते हैं इसको आपने इसके साथ फिल करना है जिससे जो कलर स्कीम के बारे में आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर के अंदर हमने कलर्स ऑफ लाइट, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और इन प्राइमरी कलर के मिक्सिंग से जो डिफरेंट कलर ऑप्टेन होते हैं और उसके बारे में स्टडी किया। ये एक एक्टिविटी को भी हमने स्टडी किया, उस एक्टिविटीज़ को आप अपने घर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। आज का लेक्चर में अगर कोई बात समझ आई हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है हमारे स्कूल के अंदर इन कोविड के दिनों के अंदर ड्रॉप बॉक्स की एक्टिविटीज़ जारी है जिनके अंदर आप अपने क्लास वर्क और होमवर्क की कॉपीज़ डालेंगे और जो हम आपसे टैली टेस्ट के दौरान जो टेस्ट ले चुके हैं तो आप उन टेस्टों को अपने वक्त के ऊपर सॉल्व करके पेरेंट्स की मौजूदगी के अंदर उनको आप अपने उस ड्रॉप बॉक्स में डालें। हमारे काबिले एहतराम और पढ़े लिखे टीचर जो है उसके अंदर गलतियां निकाल के आपकी सलाह कर सकेंगे। ये आपकी तालीमी सरगर्मियों के लिए बहुत बेहतर है। स्कूल की इंतज़ाम के साथ तआवुन करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।